देखिए, अब बीम 3 मीटर लॉन्ग, ये बीम 3 मीटर लॉन्ग है, वेइंग 400 न्यूटन। जैसे ही 400 न्यूटन है और 3 मीटर लॉन्ग आता है, तो आपको समझ आ जाता है कि ये सेंटर पे पूरा मास लगा रहा होगा। हुसैन जी, डू यू अग्री? हाँ सर, ये कितनी सी लाइन से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये जो है ये मिडल मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। इज सस्पेंडेड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 350 न्यूटन ओनली। सर, कोई डाउट है इस लाइन में? नहीं सर। हाउ फार अ बॉडी ऑफ 200 न्यूटन, ये 200 न्यूटन की बॉडी है, 200 न्यूटन वेट बी प्लेस्ड ऑन द बीम सो दैट वन ऑफ द स्ट्रिंग्स मे जस्ट ब्रेक। सर, समझ में आया या नहीं आया? समझ आया। क्या समझ आया? सर मेरे को समझानी। सर, समझाने के लिए दुकान बोलिए, आप चिंता मत। सर हम लोग को ऐसा फोर्स, बोलिए बोलिए बोलिए। सर हम लोग को एक ऐसा मतलब ऐसा पोजीशन ढूंढना है जहाँ पे 200 वेट का ऑब्जेक्ट ऐसा प्लेस करेंगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। अबे, स्क्रीन टूट जाएगा या ये स्ट्रिंग टूट जाएगा? स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग। अब बात ही, पहले तो ये बताइए कि स्ट्रिंग टूटेगा क्यों, ये बताइए। सर क्योंकि जितना मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम दिया वेट उसके ज्यादा हो लगाएंगे तो टूट जाएगा। राजू, डू यू अग्री? सर, और टेंशन जितना बेयर कर सकता है उससे ज्यादा हो गया तो फिर टूट जाएगा। नहीं समझा? समझा बाजी, सबसे सिंपल केस ले लीजिए, वो अगर आप वैसे समझेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। सबसे सिंपल केस ले लीजिए, ये बीम है, ये बीम को आपने दो जगह लटकाया हुआ। सबसे सिंपल केस ले लीजिए, ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, समझ आ रहा? तो ये वेट लग रहा है नीचे, कितना? 400 न्यूटन। तो अब बात जी, मुझे ये बताइए इसमें और इसमें टेंशन कितनी लग रही होगी? 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। Do you agree to this? Yes, sir. इसमें कोई डाउट नहीं? नहीं सर। रैंडी, डू यू अग्री? हाँ सर। अच्छा, अब देखिए यहीं पर मैं क्या करता हूँ, 600 न्यूटन 200 न्यूटन और ऐड कर देता हूँ, तो टेंशन कितनी दोनों तरफ लगेगी? 300 दोनों सर। ऑल ऑफ अस अग्री टू दिस? यस सर। तो टेंशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 100 न्यूटन यहां पर और 100 न्यूटन यहां। अच्छा, ये मैक्सिमम कितने की बर्दाश्त कर सकता है? 350 न्यूटन कर सकता है। कहने का मतलब, अगर मैं 100 न्यूटन और डालू तो ये कितनी हो जाएगी? 350 न्यूटन। और ये कितनी हो जाएगी? 350 न्यूटन। डू बोथ ऑफ अस, डू ऑल ऑफ अस अग्री कि दोनों स्ट्रिंग्स इकट्ठी टूट जाएंगी? डू ऑल ऑफ अस अग्री? यस सर। यस सर। हुसैन जी? हाँ सर। बट अब क्या हो रहा है, ये केस में और ये वाले केस में फर्क है? सर, ये जो वेट ऐड कर रहा है वो सेंटर पे नहीं ऐड कर रहा है, साइड्स पे ऐड कर रहा है। बाजी, आप पास मजा ही नहीं है? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पर आदमी खड़ा हो गया, सर मतलब हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है जिससे स्ट्रिंग टूटेगा। यार वो सब तो नहीं, वो आप हुसैन आगे जम मत मारिए, जो सिर्फ मैं बिल्कुल सिंपल चीज आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए। ये जो आदमी है ये लेफ्ट साइड पे ज्यादा बढ़ गया, तो डू वी एग्री कि ये साइड पे टेंशन ज्यादा होगी और ये साइड पे टेंशन कम होगी? डू वी एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। रंजी, मेरी बात समझ आए? हाँ सर। सी, माय पॉइंट इज कि एज लॉन्ग एज आप यहां पर मिडल में ही फोर्स को बढ़ाते हैं, तब तो जो टेंशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। बट अगर आपने यहां पर वेट ज्यादा कर दिया,
यहाँ वेट ज्यादा कर दिया या यहाँ वेट ज्यादा कर दिया या यहाँ वेट ज्यादा कर दिया, फिर जो दोनों की जो टेंशन जो इक्वल टेंशन थी वो डिसइक्वल हो जाती है. डू ऑल ऑफ अस एग्री टू दिस? यस सर. यस सर. अब्बा जी देखिए, जब ये साइड जाता है, जब ये आदमी इस साइड जाता है, ये साइड मूव करता है, तो टेंशन इन ये टेंशन को आर ए बोल रहा है. अगर आपको आर नहीं अच्छा लगता, अगर आप उसको टेंशन बोलना चाहते हैं तो टेंशन बोल दीजिए. तो डू वी कैन वी अग्री कि टेंशन इन ए वुड बी ग्रेटर देन टेंशन इन बी? कैन वी अग्री टू दैट और नो? कैन वी फर्दर एग्री कि जो रोप ए है वो पहले टूटेगी? यस सर. बाजी डू वी अग्री? यस सर. तो बेसिकली जो टूटने वाली पार्टी है वो ये है. भैया बात समझ आई नहीं है? समझ. अरे भैया कॉमन है ना, घर में मम्मी पापा है, मम्मी घर में ज्यादा काम कर रही है और डैडी डैडी बैठ के टीवी देख रहा है, तो पहले कौन टूटेगा? अरे भैया बोलो. तो सर मम्मी. मम्मी पहले टूटेगी ना, क्योंकि वो काम ज्यादा कर रही है. पिताजी बैठ रही थी आईपीएल देख रहे हैं, देख रहे हैं. नहीं समझ रहा. जो ज्यादा काम करेगा वो पहले टूट जाएगा. इस वजह से कि जब आदमी इस साइड बढ़ने की कोशिश करेगा, जब ये इस साइड जाएगा, इसमें टेंशन इंक्रीज हो जाएगी. टेंशन इसमें भी अग्री इंक्रीज होगी, बट टूटेगा पहले ये ज्यादा, क्योंकि इसमें ज्यादा टेंशन इंक्रीज होगी. सर बताएंगे कैसा नो सर? यस सर. याद तक समझ आएगा? यस सर. सर लास्ट नाम जो बोले वापस रिपीट कर सकते? आवाज कट हो गई थी सर. मैं ये कह रहा था कि जब ये आदमी इस साइड जा रहा है तो टेंशन तो इसमें भी इंक्रीज हो रही है, बट इसमें जो टेंशन है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये जल्दी टूट जाएगा. यस सर. वैन जी कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर. अब आजी आपको डाउट? नहीं सर. अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसको पिवट मान लेता हूँ, इसको मैं पिवट मान लेता हूँ. पिवट बोल दीजिए या चिराग क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? फलक्रम. फलक्रम. और मैं ये बोलता हूं कि यार जस्ट टूटने से पहले, जस्ट टूटने से पहले ये साइड मोमेंट ये साइड लग रहा था, ये जो मोमेंट है वो ये लग रहा था, और इसका जो मोमेंट है वो ये लग रहा था. डू वी अग्री टू दिस और नॉट? यस सर. जस्ट टूटने से पहले. यस सर. यस सर. वेरी डाउट है पूछे? नहीं सर डाउट नहीं है. जो फोर्स लग रही थी, फोर्सेस लग रही थी, फोर्सेस क्या लग रही थी? ये फोर्सेस नहीं, ये फोर्स नीचे थी, ये फोर्स नीचे थी और ये फोर्स ऊपर थी. डू वी अग्री? यस सर. यस सर. जस्ट टूटने से पहले ये बेचारा 350 न्यूटन तक पहुंचा होगा, फिर इसकी सीटी बज गई होगी. डू वी अग्री? यस सर. और उस टाइम बीम का वेट तो 400 न्यूटन ही रहा होगा. यस सर. बॉडी का वेट 200 न्यूटन ही रहा होगा. जैन जी समझ आ रहा है? नहीं आ रहा. समझ आ रहा है सर. जैन जी साइंस अच्छी लगती है तब तो ये चीजें अच्छी लगेंगी, अगर जबरदस्ती डैडी के कहने पे फिर चीजें बहुत खराब लगेंगी, बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं करेगा. बात समझ आ गई? बट इफ यू हैव अ बेसिक इंटरेस्ट इन साइंस तो आपको ये चीजें अच्छी लगेंगी, नहीं तो लगेगा क्या है ये बीम है और ये टूट रहा है और ये. बात समझ आ रही है? Yes. तो होगा क्या? अच्छा ये जो 400 न्यूटन लग रहा है ये तो 1.5 मीटर पे लग रहा होगा. ये जो 200 न्यूटन है इसका हमें पता नहीं, बट वी कैन अज्यूम कि यहां से 1.5 प्लस एक्स पे लग रहा होगा. हुसैन जी डू वी अग्री?
हाँ सर ये जो लग रहा है, ये 350 न्यूटन जो लग रहा है, तो वो लग रहा होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, डू यू एग्री? यस सर यस सर तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी 350 इंटू 3 इज इक्वल टू 200 इंटू 1.5 प्लस एक्स प्लस 400 इंटू 1.5। यस सर नो सर? यस सर यहां भी फोर्स है, बट वो जो फोर्स है वो आपके पिवट से या फलक्रम से जा रही है, उसके इसमें जो डी है वो जीरो है। तो ये जो फोर्स है ये मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं कर रही। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। सर हम लोग ये 1.5 प्लस एक्स के बदले 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं ना। अरे दादा कुछ भी लग सकता है वो, आप वो किताब वाले ने वही किया हुआ, आपको जैसे कंफर्ट लगता है वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाजी यस सर। तो मुझे ये 1.5 प्लस एक्स नहीं समझ आया कैसे। 1.5 प्लस एक्स इसलिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे तो 1.5 एक्स, 1.5 है, मैं इसको एक्स मान रहा ओके सर हूं, 1.5 बोल रहा हूं। अगर आपको ये किताब में इसको एक्स दिया हो, तो अगर आप किताब के हिसाब से करेंगे तो जो हुसैन कह रहा है, जैन ये कह रहा है कि सर ये वाला डिस्टेंस है इसकी माइनस एक्स हो जाएगा, आप जैसे करना चाहें वो कर लीजिए। यस बट अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें सबसे क्रिटिकल चीज ये है कि मैं वो यहाँ सर म्यूट कर लीजिए। जैन जी बात समझ आ रही है? हाँ सर क्रिटिकल चीज ये है कि आपने पिवट यहां लिया है, जब आपने पिवट यहां लिया ना, तो ये वाली जो फोर्स है इसका जो एफ इंटू डी है वो जीरो हो जाएगा। सर बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर समझ आ रही। मिस्टर हुसैन हाँ सर समझ आ। ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक बहुत फेमस किताब है खुरमी, उसी से ये सॉल्ट एग्जांपल लिए हुए, ये दोबारा फिर आपने इंजीनियरिंग में करना है। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं वो बड़े कचरा टाइप प्रेजेंट किए हुए हैं, इसमें बड़ी अच्छी सुंदर तरह प्रेजेंट किए हुए हैं। सिराजी बात समझ आ रही? यस सर इसमें बड़ा सुंदर इसको बनाया होगा, रिप्रेजेंटेशन बहुत सुंदर है। आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत प्रेजेंटेशन बड़ी खराब सी है, उसको देख के समझ नहीं आएगा। हुसैन जी बात समझ आ रही? फिर हाँ सर सर ने पीछे किया है जो हमने डिस्कस किया है वही सब डिस्कस किया है। सर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर।